नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात देते हुए आज देहरादून से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का विकास भारत के विकास में भी मदद करेगा। देश अब रुकने वाला नहीं है, वह वंदे भारत की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। साथ ही पीएम ने कहा कि देहरादून से दिल्ली तक जाने वाली ये ट्रेन इस वर्ष लॉन्च हुई 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। इसके साथ ही उत्तराखंड रेलवे का 100% विद्युतीकरण भी पूरा हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारें केवल अपने साम्राज्य की परवाह करती थी, पहले की सरकार ने केवल वादे किए लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया। हमने सभी वादों को पूरा किया। बता दें कि उत्तराखंड और देश की राजधानी को जोड़ने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन है, जबकि उत्तर रेलवे की ओर से संचालित होने वाली ये चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी। पीएम मोदी 3 देशों जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। इस दौरान पीएम का स्वागत बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया। पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस दौरान नए संसद भवन का विरोध किए जाने पर पीएम मोदी ने इशारों में विपक्ष पर तंज भी कसते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय प्रवासी कार्यक्रम में न केवल ऑस्ट्रेलियाई पीएम बल्कि पूर्व पीएम, विपक्षी दलों के सांसदों और सत्तारूढ़ दल ने भी भाग लिया। ये लोकतंत्र की ताकत है। इन सभी ने मिलकर भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने हिंदुस्तान की संस्कृति और परंपरा के बारे में बोलते हुए कहा कि कभी भी गुलामी वाली मानसिकता में डूब मत जाना, हिम्मत के साथ बात कीजिए, दुनिया सुनने को आतुर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज खूंटी में महिला सम्मेलन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित किया है। द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के जनजातीय समुदाय, राज्य में महिलाओं की स्थिति और यहां से अपने जुड़ाव को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जनजातीय महिलाओं के जीवन में सुधार, उनकी तरक्की देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य को अलग हुए 22 वर्ष हो गए हैं, फिर भी झारखंड को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी उतना नहीं हो सका। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के अकेडमिया कॉन्क्लेव में शिरकत की, जहां राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक हैं। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ऐसे में ये अनिवार्य हो जाता है कि देश के हितों की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास एक तकनीकी रूप से एडवांस सेना हो। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश के लिए तो ये इसीलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम अपनी सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमारा टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण में एडवांस होना बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी 3 दिवसीय G20 बैठक टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में शुरू हुई। 3 दिन की इस बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र विषय पर चर्चा कर रहे हैं। G20 के विदेशी प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की संस्कृति प्रदर्शित करने के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बता दें कि इस बैठक में 20 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करने पर मंथन किया जा रहा है। केंद्रीय रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 धाम में से गंगोत्री में देश की 2 लाखवीं 5G साइट का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने 4 धाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवभूमि अब डिजिटल भूमि बन रही है। वैष्णव ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी से 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर कॉल कनेक्टिविटी, वीडियो कॉल, इंटरनेट कनेक्टिविटी की अच्छी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि 5G कनेक्टिविटी से यहां आने वाले लाखों तीर्थयात्री हाई स्पीड डेटा नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं और समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विरोध कर रहे दलों को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि गुजरे 9 वर्षों में 5 गैर भाजपाई राज्यों में
नई विधानसभा का या तो शिलान्यास या फिर उद्घाटन हुआ। इन सभी का उद्घाटन मुख्यमंत्री या फिर पार्टी अध्यक्ष ने किया। कोई एक भी उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को बुलाया गया हो। बता दें कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस पर कांग्रेस समेत कई दल आपत्ति जता रहे हैं और इस उद्घाटन को राष्ट्रपति से करवाने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ मांगते हैं। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के स्वागत में आदर भाव के साथ पैर छूते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बॉस कहते हैं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि दुनिया भर में पीएम मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों का एकमात्र एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना मात्र ही रह गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर राउस एवेन्यू कोर्ट अब 1 जून को सुनवाई करेगी। दरअसल वर्ष 2019 में सीएम गहलोत ने संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसके खिलाफ शेखावत ने मानहानि केस दायर किया था। शेखावत का आरोप है कि गहलोत ने उनका नाम संजीवनी घोटाले से जोड़कर उन्हें बदनाम किया। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राज्य के सीएम डॉक्टर माणिक साहा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने सौरव गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। साहा ने गांगुली के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर्यटकों को जाना चाहिए। पूरी दुनिया सौरव गांगुली को जानती है, इसीलिए वे पर्यटकों को यहां आकर्षित करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब नए जल मार्गों के विकास की निगरानी के लिए एक समर्पित निकाय होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नए प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा की है, जो राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSME को बढ़ावा देने के लिए जलमार्ग के विकल्पों का पता लगाएगा और परिवहन के सस्ते विकल्प प्रदान करने के लिए नीतियां भी तैयार करेगा। बता दें कि फिलहाल वाराणसी से हल्दिया तक उत्तर प्रदेश का पहला जलमार्ग चालू है। उत्तर प्रदेश के बनारस के जगदीश पिल्लई ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। जगदीश ने रामचरितमानस को गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबे गाने का रिकॉर्ड खुद के नाम किया है। संपूर्ण रामचरितमानस का बना ये गाना 138 घंटे 41 मिनट 2 सेकंड में गाया गया है। बता दें कि जगदीश पिल्लई ने 5वीं बार अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराकर पूरी दुनिया में काशी और भारत का मान बढ़ाया है। जगदीश पिल्लई ने बताया कि अभी तक ये रिकॉर्ड अमेरिका के एक व्यक्ति के नाम था, जिन्होंने चर्च में कोरल गीत को रिपीट कर सबसे लंबे गाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वर्ष 2016 में इंटरनेट के जरिए जगदीश को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने भी सबसे लंबा गाना गाकर इस रिकॉर्ड को खुद के नाम करने का ठान लिया था। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज का लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। इस वर्ष के दिसंबर महीने से जनता के लिए इसे शुरू कर दिया जाएगा। करीब 22 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज समुद्र के ऊपर बना देश का सबसे लंबा ब्रिज है। कुल 6 लेन के इस ब्रिज का काम पूरा होने के बाद इस ब्रिज से दिन भर में 70,000 गाड़ियां जा सकेंगी। कुल 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल से अब मुंबई से नवी मुंबई का सफर मात्र 20 मिनट में तय किया जा सकेगा, जबकि अब तक 2 घंटे का समय लगता था। ब्रिज के पैकेज 1 और पैकेज 2 को जोड़ने के मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निरीक्षण भी किया। इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस ब्रिज के बनने के बाद व्यापार बढ़ जाएगा और मुंबई और नवी मुंबई के साथ ही पूरे महाराष्ट्र को एक नई पहचान मिलेगी। भारत के प्रमुख पुरुष और महिला एकल शटलर प्रणय HS और PV सिंधु ने मलेशिया के कुआला लामपुर में चल रहे मलेशिया मास्टर्स 2023 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।
डबल ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने प्री क्वार्टर में जापान की अया ओहोरी को आसानी से 40 मिनट में 21-16, 21-11 से हराया। तो वहीं प्रणय ने राउंड ऑफ 16 में चीन के ऑल इंग्लैंड चैंपियन ली शी फेंग को 13-21, 21-16, 21-11 से हराकर शानदार जीत हासिल की। भारत के मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कूद बैठक 2023 में अपने सत्र के सर्वश्रेष्ठ 8.18 मीटर के प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि जेस्विन एल्ड्रिन ने रजत पदक जीता। बता दें कि श्रीशंकर ने पिछले वर्ष भी 8.31 मीटर के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग जीती थी, जो इस वर्ष के प्रयास से बेहतर थी। वहीं एल्ड्रिन प्रतियोगिता में 7.85 की छलांग के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा।